मैंने बोला जल्दी से निकल के आना, आप भी बारिश का टाइम। एकदम से ही मोटा हो जाना है क्या? आप कट करके रख दिया है इसमें, अभी शुगर ऐड करूंगी। व्हाट्सअप गाइज, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है थर्सडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 6:15 और लाइट भी बंद है कब से, जैसे आपके साथ मैंने शेयर किया। चाय वगैरह बनाई, मैं जैसे नींद में से उठी हूँ चाय बनाई, जैसे बाहर इतना तूफान हवा लग रही है, ये एक दो कल तो नहीं हुआ, परसों ऐसा हुआ था, कल नहीं हुआ, फिर आज ऐसा हुआ है। बोल रहे थे 3-4 दिन लगातार बारिश पड़ेगी, लेकिन कल कुछ नहीं हुआ था। फिर अभी जैसे मैं उठी इवनिंग में चाय वगैरह पी, इतनी हवा तेज, बारिश, क्लाइमेट बोलो तो मस्त होके आया था, बहुत अच्छा। फिर बारिश में थोड़ी देर बाहर खड़े रहे काजल और मैं, बाहर मैंने बोला टेरेस है चलो वहाँ पे बारिश पड़ेगी, तो काजल को बोल रही वहाँ पे नहा लेते हैं, लेकिन इतनी बारिश नहीं पड़ी, थोड़ी पड़ी, हवा ज़्यादा थी बारिश कम थी। और आज कितने दिनों के बाद मैं घर में अपना डेली व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पूरे कांच वगैरह स्लाइडिंग वगैरह मैंने सब बंद कर लिए, उसके बाद भी घर में मुझे झाड़ू लगाना पड़ा है। मिस सोने के टाइम मैंने हॉल में स्लाइडिंग बंद कर दी थी काजल ने, यहाँ पे हमने बंद करना भूल गए, थोड़ी सी मिस खोली थी, इतनी नहीं, तो भी इतनी मट्टी घर पे आ रही है बहुत। उठने से फिर चाय पी के मैंने झाड़ू भी लगाया है वापस से घर में, इतना घर अच्छा होता है उसके बाद फिर वापस से लगाना पड़ता है। और कपड़े उठा के मैंने सब ट्रॉली से कपड़े उतार के मैंने जो बाहर सूखने डाले थे उतार के जल्दी से मैंने सोफ़ा पे रख दिए, वो जल्दी से मैं फोल्ड कर लूँगी। और यहाँ की लाइट भी नहीं चालू की है हॉल में, लाइट बंद थी अभी चालू करूँगी। तो अभी अभी जस्ट मैंने तुलसी माँ को भी पानी दिया है, तो ये टाइम पे ऐसा होता है ना तुलसी में डाल दे पानी की, तो 6:30 तो बजे हैं अभी, इसके बाद फिर लेट हो जाती है ना, ये टाइम पे धूप है नहीं तो इससे और भी जल्दी मैं दे देती हूँ पानी। फिर थोड़े तुलसी लीव भी मैंने निकाल के रखे काना के लिए, आरती करती हूँ ना वो टाइम पे भोग वगैरह लगाती हूँ, तो समझ में नहीं आता है रोज़ मैं प्रसाद क्या रखूँ। फिर कभी कभी अभी क्या करती हूँ मैं मैंगो ही रखती हूँ, क्यों तो मैंगो तो अभी सीज़न है और मैं डेली खा रही हूँ। मीन्स दोनों टाइम, एक मैंगो मैं दोपहर में काटती हूँ, सब मिल के खा लेते हैं, और रात में फिर काजल और मैं शेक पी लेते हैं। और हबी शेक तो मन से नहीं पीते, कभी कभी शेक पीते हैं और कभी कभी बोलते हैं नहीं मैं रोज़ वाला शेक पीऊँगा और साथ में आम खाने के साथ में काट के दे तो मैं खाऊँगा, तो जैसे ये बोलते वो हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो अभी नाश्ता करूँगी, काजल ओनियन काट रही है और टमाटो काट रही है, मैगी बनाऊँगी। मैंने बोला जल्दी से काट ले, बोल रही थी मम्मी नीचे से लेके आऊँ कुछ वेफर वगैरह या क्या, मैंने बोला जाने दे अभी भी बादल गरज रहे, बारिश पड़ेगी फिर लाइट बंद होगी। अभी स्टार्ट किया मैंने ब्लॉग तो लाइट बंद हो गई थी, स्किन केयर भी किया तो मैंने अंधेरे में किया, आपके साथ शेयर भी किया, अंधेरा ही था, लाइट बंद ही थी, फिर लाइट आ गई आधे में, अभी फिर से चालू है फिर से बंद हो जाएगी, मीन्स आ रही है जा रही है, बार बार ऐसा हो रहा है। मैंने बोला जाने दे घर में मैगी बना लेते हैं, मैगी पड़ी है, ओनियन काट और टमाटो काट ले जल्दी से, मैगी फटाफट बना लेते हैं, बादल की आवाज़ आ रही है ना गरजने की, बना लेते हैं मैगी फिर खा लेंगे, चाय वगैरह पी के आरती वगैरह कर लेती हूँ, फिर थोड़ा बैठ के सीरीज़ वगैरह देखते हैं या क्या जो समझ में आया टीवी में बैठ के सीरीज़ देख लेते हैं, तो सीरीज़ देख लूँगी। और कितने टाइम के बाद आज मैंने ब्लॉग चालू किया, वैसे भी ना इतने टाइम के बाद मैं कर रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा ना ऐसे कंफ्यूज़ हो रही हूँ, छोड़ ही दिया है मैंने कैमरा हाथ में लेना, जैसे यहाँ पे आई जैसे तो मैंने ब्लॉग तो पहले वहाँ पे तो डेली मैं निकाल ही रही थी, शूट ही कर रही थी, डेली आ रहे थे,
अभी बराबर से आ ही नहीं रहे, क्योंकि तो क्लाइमेट ही अभी तक मुझे सूट नहीं हो रहा है। कभी ज़्यादा गर्मी है, कभी ज़्यादा ठंडी है, एकदम से ऐसा क्लाइमेट ओपन ओपन है पूरी एरिया, तो फिर ज़्यादा मुझे इफेक्ट पड़ रहा है। हेल्थ का भी इतना इशू हो गया है, बहुत इशू हो गया है, मिस चल नहीं पा रही हूँ। जैसे मैं नीचे वॉक करने जाती थी, आपके साथ भी शेयर किया था, वो भी अभी इतना नहीं कर पा रही हूँ। जाऊँगी तो कम से कम मिस हफ्ते में एक दो बार ही जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं। पहले तो डेली जाती थी, वो भी नीचे जाके बैठ जाती हूँ। ज़्यादा मिस चलने के लिए ना बोलती हूँ, ज़्यादा मत चलते हैं, थोड़ा नीचे ही बैठ जाते हैं, ऐसा करके थोड़ी बाहर की कभी कभी हवा खा के आती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है भाई नहीं बाहर निकलूँ, बैठ बैठ के भी ऐसा लगता है घर में, फिर जाती हूँ मैं राउंड लगाने के लिए। कभी तो घूम के आएंगे, कभी होटल में खा के आएंगे, कभी क्या कभी क्या। ट्यूसडे के दिन तो ये घर पे होते हैं, तो किधर न किधर तो हम जाते ही है खाना खाने के लिए। इस बार तो इसका मौका आई थी, आपके साथ शेयर किया था, सबको पसंद आया है, सबके मैसेज आए, फ़ोन आए, कितने वे इस्कॉन टेम्पल हमें बहुत पसंद आया, वो व्लॉग को सबने प्यार दिया, हमें बहुत अच्छा लगा सबको। गार्डन और इस्कॉन देख के, गार्डन भी बहुत ही बढ़िया था। अभी आधा घूमी हूँ मैं ना वहाँ से निकली, तो मैं कसम खा के मैं अभी गार्डन में दोबारा नहीं आऊँगी, नहीं अभी मैं वापस जाऊँगी, मुझे वहाँ पर घूमना है। और इस बार मैं ना जल्दी निकलूँगी, बारिश में तो नहीं जा सकूँगी, उसके पहले होके आई तो ठीक है, नहीं तो फिर बारिश का सीज़न हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा जाऊँगी, फिर दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। आधा शेयर किया है, आधा और शेयर करूँगी। तो अभी नाश्ता बना लेती हूँ, फटाफट से खा लेती हूँ, भूख लगी है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। जस्ट इनका फ़ोन आया, जैसे मैगी बना रही हूँ नाश्ता, तो इनका फ़ोन आया। कितनी देर से इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है, बोल रहे नहीं। जो क्लाइमेट ऐसा हो गया, हवा बहुत लग रही थी, तूफान लग रहा था, और फिर बारिश पड़ी, उसके बाद इनके शॉप की लाइट भी बंद है और कोई नेटवर्क नहीं चालू है। बोले टेंशन मत लेना, फ़ोन मत करूँ तो, क्यों तो कोई नेटवर्क नहीं। बोल रहे जियो भी बंद है और कॉलिंग भी बंद है, सब बंद है, कैसे करके अभी लगा है तभी किया है फ़ोन। मैंने बोला जल्दी से निकल के आना आप भी, बारिश का टाइम है, यहाँ पे तो लाइट चालू है, वहाँ पे अभी तक नहीं आई है लाइट, हवाएं ठंडी लग रही है, बाहर अच्छा लग रहा है थोड़ा। मैंने बोला आप चले आओ, इतना लेट मत करना, आज जल्दी निकल आओ, ये तो थोड़ा रास्ता भी दूर है, फिर मुझे टेंशन होती है। मैंने बोला जल्दी से चले आओ शॉप बंद करके, फिर बारिश नहीं हो तो निकल आना देख के, क्योंकि तो लाइट भी बंद है, अभी क्या ही बैठ के करेंगे। तो आज तो ऐसे लग रहा है जैसे सब काम ऐसे आसानी से हुए हैं, फटाफट फटाफट, बहुत अच्छा दिन लग रहा है आज। क्लाइमेट भी अभी थोड़ा अच्छा हुआ, हवा लग रही है, तो नहीं तो इतनी गर्मी, जो परेशान हुई हूँ गर्मी से, ठंडे ही ठंडे में पी रही हूँ, फिर ज़्यादा ठंडे पीती हूँ, ज़्यादा एसी में बैठती हूँ, फिर बॉडी में पेन बहुत हो जाता है। एसी भी ज़्यादा चालू करती हूँ आफ्टरनून में, नाइट में, या किधर जाने का होगा ना, फिर मैं क्या करती हूँ एसी में ही रेडी होती हूँ। खाने में है सांभर एंड राइस, मीन्स कितने टाइम के बाद ही आज सांभर बना रही हूँ मैं भी, लग रहा है इस घर में पहली बार बन रहा है। अच्छा तो इस घर में पहली बार काफ़ी चीज़ें ऐसे बनी है, जैसे उस दिन मैंने अरबी बनाई, यानी कि जो कचालू बोलते हैं सिंधी में, कचालू भुगा चावल, वो कितने टाइम के बाद बनाया, और आज सांभर राइस फर्स्ट टाइम बना रही हूँ यहाँ पे। मीन्स काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं बनाई है, हमारी फेवरेट है, टूक भी नहीं बनाया, अभी इसको टूक भी खाना है, आलू टूक। तो पहले बोलती थी आज आलू टूक खाती थी, आलू फ्राई तो बहुत बार बनाया है, ऐसे बनाया था आज सुबह में ही, तो बनाए थे तुम्हें खाने पे, आलू फ्राई एंड भिंडी फ्राई रोटी के साथ ऐसे। और कितनी देर से मैं बैठ के टीवी देख रही हूँ और अपने शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, आप लोग मेरे शॉर्ट एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं मुझे बताना। मैं पोस्ट कर रही हूँ, अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, स्टार्ट हुआ है, मैंने शॉर्ट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छे अच्छे वीडियोस काजल ने मेरे पास रखे थे, उसके पास पड़े थे लैपटॉप में अच्छे अच्छे वीडियोस जो टिकटॉक के थे, यानी कि टिकटॉक जब भी बैन हो गया उसके वीडियोस काजल ने पहले ही डाउनलोड करके रखे थे, फिर वो काजल के पास पड़े थे, वो काजल ने दे दिए, बोले मम्मी पोस्ट करो, तो वो थोड़े पोस्ट कर रही हूँ। इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई है टिकटॉक की, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं मेरे, आप लोग देखो, एंजॉय करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब तो किया हुआ है, तभी तो ब्लॉग देख रहे हो। तो आज सांभर राइस बनना है, काजल ने सांभर बॉयल करने रख दी है अभी,
इसके बाद आरती करेंगे हम, पूजा करेंगे, बाकी सांभर धीरे धीरे बाद में फिर बनता रहेगा। फिर उसके बाद मैंगो शेक पीना है हमें, काजल को याद, वही मैं बोल रही हूँ, फिर देखते हैं, फिर मैंने बोल दी फिर देखते हैं, फिर उसके बाद क्या खाना खाना है, अभी तो खाया मैगी खाया, फिर अभी ये खाएंगे सांभर राइस, फिर उसके बाद और मुझे क्या खाना है, एकदम से ही मोटा हो जाना है क्या? आफ्टरनून में भी मैं सोई हूँ, मैंगो काट के खा के सोई हूँ अभी, और तब से मैं खा ही रही हूँ, मिस कुछ इतना नहीं जा रहा है, कुछ स्पेशल हो, मेरी फेवरेट चीज़ हो ना वो मुझे जा रही है, बाकी ऐसा तो खाना मुझे नहीं जा रहा है मिस, जैसे गर्मी हुई है कम ही खा रही हूँ, रोटी खास करके कम जा रही है मुझे। तो अभी सांभर राइस खाएंगे, आरती करेंगे और मैंगो शेक आपके साथ आज शेयर्स करूँगी, कितने टाइम के बाद, मेरे वो घर, वो वाले घर में मैंने मैंगो शेक आपके साथ बहुत बार ही शेयर किया है, आज यहाँ पे पूरे एक साल होने को आया है, मीन्स 8-9 मंथ तो हो गए, 9 मंथ्स, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़ोन भी आ गया मम्मी का और मम्मी से बात करती हूँ। जी अभी रात के 10:30 बजे हैं, हबी भी आ चुके हैं, मिलिए, जस्ट अभी अभी आए हैं, फ्रेश हुए हैं और पूजा की है इन्होंने। हाँ बल सर, हाँ ये पूछा शायद डिजाइनिंग को, और पूजा भी कब का हो गई, मैंने चेंज भी कर लिया, क्यों था ना मुझे हैबिट है ना ये मैक्सी में बैठने की, गर्मी हो रही है बहुत, कॉटन है ये मैक्सी तो यही मैं पहनती हूँ, तो जल्दी से मैं चेंज करके आई, बैठना ही नहीं आ रहा था, काजल को बोला काजल पहले मुझे मैक्सी दे मैं चेंज कर लेती हूँ, मुझसे बैठना नहीं होता है। और पूजा वगैरह भी सब हो गई है और सांभर राइस भी रेडी है, काजल ने पहले ही बॉयल कर दिया था पूजा करने से पहले, दाल बॉयल हो चुकी थी, बाकी तड़के की तैयारी थी वो काजल ने लहसुन वगैरह कद्दूकस करके रखी, यानी लहसुन का पेस्ट निकाल के रखा, फिर उसके बाद मैंने अभी तड़का दे के आई, अभी 5 मिनट के लिए सांभर रख दिया है धीमी आँच पे और राइस बन रहा है, खाना रेडी है, अभी बैठ के हम फैमिली टाइम लेंगे और टीवी देखेंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगी शेक। और ये टाइम पे ऐसा होता है फैमिली टाइम बैठ के सोफ़ा वगैरह ओपन कर लेते हैं, पूरा ओपन ही कर लिया है सोफ़ा आराम से बैठते हैं, सोफ़ा ओपन हो जाता है ना, इधर बैठ के टीवी आराम से देखते हैं हम, मीन्स रेस्ट करते हैं अच्छे से रात के टाइम पे, फैमिली टाइम टीवी देखो, खाओ पियो, शेक वगैरह पियो, कभी आइसक्रीम लेके आते, कभी फलूदा लेके आते, पूरी गर्मियाँ ऐसे ही एंजॉय की है हमने, बहुत अच्छे से एंजॉय की है। फिर अभी आएगी ठंडी, बारिश पड़ेगी, मैं आज ही बोल रही थी काजल को, काजल बारिश पड़े तो जल्दी से मैं चिकन लॉलीपॉप खाऊं और चिकन बनाऊं, मीन्स कितने टाइम से नॉनवेज भी मैंने ठीक ठाक ही बनाया है, यहाँ पे इतना नहीं बनाया है, कि तो कौन से दिन होते खाने के, कौन से दिन नहीं होते खाने के, फिर वो मिस ही होता जाता है। अभी रात के 1:45 बजे हैं, जस्ट अभी उठी हूँ, बैठ के टीवी देख रहे थे हम लोग, अभी इनको शेक बना के दिया रोज वाला, और अभी मैंगो शेक बनाऊंगी काजल और मेरे लिए, मैंगो तो मैंने पहले ही काट के रखे, ये तो फिर काजल को ना छुरी चाहिए होती है, बोली मम्मी पहले आप काट लो मैंगो, फिर बाद में बोले आप ब्लेंडर से, मैं फटाफट निकाल देती हूँ, मिक्सी वगैरह खराब हो गई है, जैसे ही शिफ्ट किया मैंने मिक्सी खराब हो गई मेरी, तो वो बनाई नहीं है, अभी दूसरी लेनी है, वो बहुत खराब हो गई है, बहुत टाइम से जब ही लगता है मुझे 10-15 साल ऐसे हो गए मिक्सी को, एक ही मिक्सी मैंने इतना टाइम चलाई है, अभी दूसरी ही लेनी है, तो ब्लेंडर है ना जो हैंड ब्लेंडर, उसके साथ ही मैं फटाफट से निकाल देती हूँ, मीन्स मैंगो काटा हुआ है बस उसमें शुगर ऐड करूँगी और उसके बाद ब्लेंडर घुमा लूँगी, दो मिनट में मैंगो शेक बन जाता है। तो मैंगो मैंने कट करके रख दिया है इसमें, अभी शुगर ऐड करूँगी, इसी के साथ ही मैं विदा लेती हूँ इस व्लॉग में और मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। इसी के साथ ही ये समर सीजन को भी हम विदा करते हैं, बारिश पड़ रही है, थोड़े दिनों में मैंगोस बंद हो जाएंगे आना, और मैंने मैंगो बहुत एंजॉय किया है खा के भी और शेक पी के भी, तो मीन्स कोई टाइम नहीं छोड़ा है आफ्टरनून में भी और रात में भी, तो ये समर सीजन हम मैंगो के साथ एंड करते हैं और आपके साथ करती हूँ चीयर्स, मिलती हूँ अगले व्लॉग में, बाय बाय। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा,
इसी तरह मैं भी और भी ब्लॉग्स शूट करती रहूं। फिलहाल आज मेरा मन था, मैंने शूट कर लिया, देखते हैं आगे कैसे होता है। थोड़ा थोड़ा दिन में मैं शूट करती रहूंगी। बाय बाय, लव यू ऑल।